शायद यही तवक्कु कर रहे हैं कि जज्बाती और मनमला के खिलाफ होगा और हम महसूस होंगे। सऊदी अरबी और मुजाहिद टीमें से भी जो महाफिर का जो जल्सों का रंग है और जो हमारे रिवायतकार हैं वो अक्सर तस्दीक कर लिया है। वो वक्त और वो दौर गुजर गया कि लोग या टिकटों के लिए जाते थे या डंगर अभ्यास के लिए जाते थे, अब सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम नमूज रिसालत के इस काश में अपना हिस्सा डालें और हम अपने करीम अल्लाह का इतने का इनाम मिल जाए। तो मैं सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा कि कुफार की यही साजिश थी कि मुसलमानों से जो उसका सियासत है वो मुकम्मल तौर पर ये उनको अलहदा किया जाए, मजहब को अलहदा किया जाए, सियासत को अलहदा किया जाए, सियासत में वो लोग लाए जाए जिनको देख कर एक लोग अल्लाह ना आओ तीन साल बाद भी कोशिश करें तब भी अलग पड़े और उनके कानून साज और आईन साज की सदी में वो लोग बैठे जिनको सुने इख्लास भी ना आता हो, जिनको दीन के बारे में बिल्कुल कोई भी इलम ना हो और जो उनके उलमा हैं जो उनके इस्लामी तशब्बुस है उनको सिर्फ यहाँ तक महदूद रखा जाए कि आपके लोगों के सामने नमाज और रोज़ों के वो मसाइल बयान करने हैं। आपने सियासत के साथ कोई भी रब्ता नहीं करना, सियासत और चीज़ है और इस तरह मजहब पे अमल करना बतौर मजहब बतौर निज़ाम नहीं और चीज़ है। वो इस हद तक कामयाब हो गए कि उन्होंने उलमा को बिल्कुल शायद पे कर दिया, उन्होंने सुलहा को बिल्कुल शायद पे कर दिया। वही आज अगर मेम्बर पर मेरे मुस्तफ़ा करीम के निज़ाम की बात करता है तो लोग उनसे उठ के चले जाते हैं, लोग कहते हैं ये मौलाना सियासी हो गए, अब उन्होंने सियासी बातें करना शुरू कर दिए हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ जो निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा करीम हमें लेके गए थे और आप तशरीफ़ फरमा उस हाल में थे मदीना शरीफ में जो आप मसाइल भी बयान कर रहे थे और आप पूरी दुनिया को एक निज़ाम भी ले रहे थे और फिर खुलफ़ाए राशिदीन जो अपने मेम्बरों पर भी बैठे थे और जो अपने फैसले भी करते थे और पूरी दुनिया को एक निज़ाम भी दिया। जब उसके बाद हमने उस निज़ाम को सिर्फ ये कहकर कि हम गैर सियासी है हमें सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये जब हम इस अजीम फरीदे को जोड़ेंगे तो आपको पता है तंजीमें भी बहुत हैं, तहरीकें भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग इंफरादी कोशिश भी कर रहे हैं, इज्तिमाई भी कर रहे हैं, मगर फिर भी हर तरफ तशद्दुद का बाजार गर्म है। हर तरफ बंदा देखे तो इंतहाई माहौल कशीदा हो चुका है, हर तरफ जालिम 300 कत्ल के बावजूद भी वो मुसलसल जुर्म में उतर आया है, उसके सामने कोई भी वो निज़ाम नहीं है जो उसके गरीबान को पकड़ सके और हर तरफ को जिहाद का बाजार गर्म है। या अगर एक हकूमती निज़ाम के जरिए एक अडर हो जाए आज पाकिस्तान में ये चीज नाफिज हो जाएगा तो हम करोड़ों मिलकर वो नहीं कर सकते जो दो तीन सौ बंदे वो उधर जाकर जो हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं वो सिर्फ 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, मगर इस सियासत के तहत वो करोड़ों को कंट्रोल करते हैं। जब हमने इस चीज को जोड़ा तो आज वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इसलिए आज हमने तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह के प्लेटफॉर्म से अवाम का ये जहन बनाना है, खवास का ये जहन बनाना है, बिलखसूस उलमा का ये जहन बनाना है, मशाइख का ये जहन बनाना है कि अगर हम ये मैदान इस तरह जोड़ देंगे तो जिस तरह अल्लाह इकबाल ने फरमाया था कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो बिलाखुली सियासत से तो रह जाती है तकदीर। ये तो आज आप देख रहे हैं कि जिन्होंने मुल्क लूटा, जिन्होंने मुल्क के खजाने लूटे, जिन्होंने करीब के आवाम का वो खून चूसा और जिन्होंने इस मुल्क और कौम पर वो कहर बनकर टूट पड़े कि बंदा हैरान है कि मैं एक टाइम में रोजी कहाँ से लाऊं। वजह क्या है? वजह यह है कि सियासत हमने उनके सुपर्द की जो जालिम थे, जो दीन से बेखबर थे, जो अंग्रेज के वफादार थे, जो उनके गुलाम थे और यहाँ पर हमने मेम्बरों पर बैठ कर और अपने स्थानों पर बैठकर ये तसल्ली कर ली कि नहीं हम सियासी नहीं है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा अगर ये आपके अल्फाज है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है तो दूसरे अल्फाज में आपने ऐलान करना है कि
फिर हमारे विनय मंत्रवाद से भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरे अल्फाज में फिर आपने ऐलान करना है कि हम हुजूर के वारिस भी नहीं है, क्योंकि मेरे महबूब फरमाते हैं कि बनो इसराइल में उनके अंबिया सियासत करते थे और इस उम्मत को मेरे मुस्तफा करीम ने और सियासत का अजीम फरीसा दिया है। अगर आप कहते हैं हमारा लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरे अल्फाज में आप दीन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आई मैं आप मेरे मुस्तफा करीम के गुलामी में आगे बढ़कर काम नहीं कर सकते। ये तब होगा जब आप इस कौम को कहेंगे कि हाँ सियासत भी हमारा है और मेंबर पर बैठ कर उधर नमाजें पढ़ना भी हमारा सेवा है और उस मेंबर से पूरे दुनिया को कंट्रोल करना भी हमारा दायित्व। मैं अपने दादा हुजूर के नशार का कुछ तर्जमा भी करवा सर मुझे गुलाम गौस बरदारी साहब कहते हैं जब भी आप पढ़ शेर पढ़ते हैं साथ में कुछ तर्जमा भी किया करें। मेरे दादा हुजूर ने फरमाया जिस सियासत जुदा कभी न शरीयत अली ने, जिस सियासत जुदा कभी न शरीयत अली ने, जो सियासत को शरीयत से जुदा करते हैं बेजाब लहसिबी वकूफ जालिम शैतान फातिमा, कह रहा मैं ऐसे बेवकूफ जालिम और शैतान से बेजाब हूँ सियासत जुदा कभी न शरीयत अजीने बेजार लहसे बेवकूफ जालिम शैतान फातिमा और द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान, द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान कम हजार जला सरजी पले मैदान फातिमा, द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान कम हजार जला सरजी पले मैदान फातिमा। और ये शेर आप सुनकर आपको लुत्फ आ जाएगा। फरमाते हैं जितने खुशबू थी दफलो द मोहम्मद हर अभी, जिनसे मेरे मुस्तफा करीम के पसीने मौत तक की खुशबू महक रही हो, ऐसी जवान के पीछे जितने खुशबू थी दफलो द मोहम्मद हर अभी सर पतली प्यासे जवान बस रवान वाहिमा, मैं अपना सर हथेली में रखकर ऐसे जवान के पीछे चला जाऊंगा। जो आज हमने यजम करना है कि अगर हम उस जमाने को देखते हैं और फिर यहाँ पर जब उलमा साइड पे हो गए मशाइख साइड पे हो गए उन्होंने कहा हमारा कोई काम ही नहीं तो फर्क कितना आया। हजरत सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के सामने एम्स के गवर्नर सईद इनाम अल-जुमही का उनका तस्करा हुआ, आपने उधर से लिस्ट मंगवाई मुझे लिस्ट ला कर दो। उधर सबसे ज्यादा मुखलिस यानी जिनके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो वो कौन है, जब लिस्ट मंगवाया गया और उनमें देखकर सर फहरिस्त एम्स का गवर्नर सईद इनाम अल-जुमही था। आपने फरमाया ये इतना इनके पास कुछ नहीं है, फरमाया ये बिल्कुल इस हाल में जिंदगी गुजार रहा है, इनके पास कोई पैसा नहीं है। फिर आपने कुछ पैसे मंगवाए और आपने इनकार कर दिया, आप बड़े परेशान हो गए। कुछ देर बाद उसके बारे में हजरत उमर शाम गए तो उसके बारे में कुछ खबरें आईं और वो खबरें ये थी कि ये महीने में सिर्फ एक बार ऐसा एक दिन आता है ये बहुत लेट करते हैं और ये रात को किसी के साथ बात नहीं करते, ये रात को फैसले नहीं करते। दूसरी तीसरी बात ये कि जब ऐसी हालत होती है कि इन पर बेहोशियारी हो जाती है, इनके बारे में जब इस तरह की शिकायत आई कि ये इस तरह के काम करते हैं तो आपने उनको फरमाया कि आ जाओ सामने बिठाया, गवर्नर है, फरमाया लेट क्यों निकलते हो। आपने कहा मेरे घर में कोई खालिमा नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, मैं घर के काम काज खुद करता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ। ये था गवर्नर जब इस्लामी सियासत में ये नहीं था कि दुनिया के जितने भी मुराद हो और पैसा हो पहले कुछ भी ना हो बाद में उसके असासों की तफसील भी मालूम ना हो ना ना, ये इस्लामी तरह की सियासत थी। दोबारा पहुँचा कि आप महीने में एक बार क्यों इतने लेट आ जाते हैं, आपने जवाब दिया उसकी वजह यह है कि मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है सिर्फ एक कपड़ा है, मैं महीने में उसको धोता हूँ फिर उसको जो है ना धोने के लिए मैं इंतजार करता हूँ, जब वो सूख जाता है फिर वो मैं पहनता हूँ, इस वजह से मैं लेट आता हूँ। फरमाया आप रात को इनके लिए क्यों नहीं करते, फरमाया मैंने दिन इनके लिए मुकर्रर की है, रात अपने रब से मुनाजात के लिए मुकर्रर की है, मैं इस वजह से नहीं करता। फरमाया मैं होशियारी होती है, फरमाया मैंने कुबेर
पर कुफार जुलम कर रहे थे, उसी वक्त मैंने उनको बचाया नहीं, उनके उस जुलम को याद कर मैं रोता हूँ। इस वजह से हजरत सैयदना उमर फारूक ने हाथ उठाए, फरमाया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे एक जैसा गवर्नर मिला है जो इस्लामी तरह से सियासत ली। तो ये आलम का गवर्नर था, गवर्नर था, ये आलम था, अदालत था, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा अमीर अल मोमिनीन तशरीफ फरमा है। आपका सिर गुम हो गया, आपने ले जाए एक यहूदी के पास है, आपने फरमाया उसी वक्त जो कल सुरह था उसको फरमाया ये जिला मेरा है और इसके ये मेरे से गुम हुआ है या चोरी हुआ है। उस आदमी ने फरमाया आ जाओ अपना फैसला सुन, अपना दावा दायर कर। यहूदी को भी बुलाया, जब सामने हो गए आदि सुरह ने कहा मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, धन कह रहा हूँ दुनिया ने रहा